हाँ जी क्या बोल रहे हो? जी ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं और क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, और क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर दिया तो कोई बात नहीं, दोबारा एक बार कर लो, मैं और क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, ठीक है। चलो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। हाँ जी ध्यान से करना, ठीक है। टोटल ऑफ 3 क्वेश्चन है अभी, ठीक है। फिर स्पेस मिलेगी, मैं और कुछ लिखता हूँ, पहले ये कर लो। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्व जो है वो 1.56 से पास करती है, एंड टेंजेंट जो है उसका जो स्लोप है, ठीक, वो किसी भी जो पॉइंट पे एक्स को वाई पे क्या है, डी बाई डी दैट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस सीकेंट ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये होमोजीनियस है। तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स लेके गए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लेके गए, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन किए, तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू वी प्लस सीकेंट वी, ये वी वी कटेगा, सीकेंट भी नीचे आएगा, ऊपर कॉस वी चला जाएगा, तो कॉस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है तुम्हारा, ठीक, दैट इज साइन, तो ये आ जाएगा साइन वी, तो साइन वी, वी का मतलब वाई बाई एक्स, तो वाई बाय साइन वाई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। अब ये 1.56 से पास करता तो पुट कर दिया, ये बन जाएगा साइन पाई बाय 6 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू एल एन 1, वो 0 हो गया, प्लस सी, तो दैट इज हाफ, तो हाफ इधर पुट कर दिया, तो साइन ऑफ वाई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 1/2, ये चीज़ आ गई, ठीक है। ओके, हमें कर्व ही बतानी थी, ठीक है। तो साइन वाई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस हाफ, तो ए ऑप्शन जा रही है, ठीक है, ए ऑप्शन जा रही है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, नो सर। राइट राइट राइट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड सीधा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक, प्लीज ध्यान से देखना। सामने देखने पे क्लियरली पता चल रहा है कि इट्स ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलो इसको लीनियर की तरह सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जाएगा तुम्हारा, दैट इज ई की पावर इंटीग्रेशन एक्स बाय एक्स स्क्वायर -1 dx, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे t है तो ऊपर dt है, तो ये आंसर आ जाएगा e की पावर 1/2 ln ऑफ x स्क्वायर -1, और e की पावर ln ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1, तो सिंपली x स्क्वायर -1 अंडर द रूट आ जाएगा, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फाइनल क्या आएगा? अच्छा, बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे मोड था, तो यहाँ पे मैं इसको मोड को मोड के कारण, ठीक है, यहाँ पे ना नेगेटिव साइन का थोड़ा सा पंगा इशू आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव साइन का थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि नीचे अंडर रूट ऑफ 1 - x² है, इधर मैंने x² - 1 लिखा है, ठीक है। तो या तो हम ये काम कर सकते हैं, ठीक, कि जब हमने यहाँ पे मोड लिया तो यहाँ पे 1 - x² लिख लिया और फिर अंडर रूट किया, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी यहाँ पे ये मोड था, ठीक है, ये तो इसे करना ही पड़ेगा ना, वो करना ही क्योंकि पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। -1 हाँ जी, में -1 से 1 में अच्छा, हाँ, तो एक्स माइनस वन टू वन है, तो ये करना ही पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 - x², ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - x² दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 + 2x डिवाइडेड बाय 1 - x² अंडर द रूट इनटू अंडर द रूट ऑफ 1 - x² dx इंटीग्रेशन, ये कटा, ठीक। तो क्या बनेगा, y अंडर द रूट ऑफ 1 - x² दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस
एक्स स्क्वायर बाय टू तो प्लस सी। ठीक, अब ये दे रखा है, ये कहां से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 0,0 से, तो अगर 0,0 से पास कर रहा है तो 0,0 पुट करके सी भी 0 आ जाएगा, तो वाई की सिंपली वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 बाय 5 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल फंक्शन बन गया। ठीक है, अब देखो जरा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें वाई इक्वल टू एवरीथिंग करके, तो ये अंडर रूट जो वाली चीज है ये नीचे चली जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ -3/2 से लेकर √3/2 तक। ठीक है, तो ये टोटल चीज क्या चली जाएगी, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब बाय 5 प्लस 1। ठीक, ये चीज चली गई, दिस इज वाई इक्वल टू। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन -√3/2 से लेके √3/2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डॉट dx। ठीक है, ये काम करना है, तो यहाँ पे जाके फंस जाओगे, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसके अंदर, अच्छा एक्चुअली में चलो ये भी हो जाएगा, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं जा रहा। ठीक है, ये भी हो जाएगा, कैसे, हमने अगर यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाई, ठीक, तो ये -√3/2 से लेके √3/2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -x³/5 प्लस 1 dx, क्योंकि a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब क्या है, a प्लस बी को ऐड करोगे वो तो जीरो जा रहा है, तो x की जगह पे सिंपली माइनस एक्स पुट करना है। अब यहाँ पे इन दोनों जगह पे स्केयर स्केयर हो रहा है, तो माइनस एक्स का फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस एन बाहर आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 2y क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन -√3/2 से लेके √3/2 एक्स स्केयर बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर कॉमन आके बाहर आ जाएगा, और अंदर जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये चीज कटेगी, ठीक, ये दोनों कटेंगे और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा dx, ये 2 इस के साथ कटा, तो i की वैल्यू क्या आ गई, ठीक, दैट इज इंटीग्रेशन -√3/2 से लेके √3/2, ठीक, इधर क्या जा रहा है, एक्स स्केयर dx डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये जा रहा है। अब ये तो क्वाड्रेटिक पे क्वाड्रेटिक है, इसको इजीली हैंडल कर सकती हैं। ठीक है, माइनस से पहले मल्टीप्लाई किया तो माइनस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, प्लस वन किया माइनस वन किया, तो ये बन जाएगा माइनस, चलो आई को इधर माइनस इधर ले जाओ, तो माइनस आई इज इंटीग्रेशन -√3/2 से लेके √3/2, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दो, तो ये चला जाएगा माइनस आई इंटीग्रेशन -√3/2 लेके √3/2, ये कट के ऊपर आ जाएगा, तो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब दोनों का हमें फॉर्मूला पता है, तो पहले का फॉर्मूला क्या जाएगा, एक्स बाय टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर इज 1, 1 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इसका साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, इसका सिंपली साइन इनवर्स ऑफ एक्स रहेगा। ठीक है, और ये -√3/2 से लेके √3/2 दैट इज माइनस आई। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करके तुम्हारा बन जाएगा -½ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स बाय टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -√3/2 से लेके √3/2 दैट इज माइनस आई। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले अपर लिमिट √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1 माइनस किया तो 1/4 अंडर द रूट 1/2, तो ये 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स ऑफ √3/2, तो दैट इज 60 डिग्री पाई बाय 3 माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा -√3/4, ठीक, इनटू अगेन यहां पे आ जाएगा 1/2, इस पूरी चीज की वैल्यू बन जाएगी 1/2 माइनस 1/2 इनटू साइन इनवर्स ऑफ -√3/4, तो वो -π/3 होगा, तो ये +π/3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दैट इज माइनस आई। अच्छा अब ध्यान से देखो क्या चीज हुई, कि ये चीज पहली बार तो ट्वाइस हो गई, ठीक, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा √3/4, और ये चीज दोनों के दोनों नेगेटिव हो रही है, तो ये भी ट्वाइस हो जाएगी, तो आ जाएगा -π/3 दैट इज माइनस आई, तो आई की वैल्यू आ रही है π/3 - √3/4 है ऑप्शन राइट। हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर, नो, ओके।
अब प्लीज ध्यान से देखो, इसका एक और मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, जो इसको बहुत सिंपल कर देगा, इतना ज्यादा मुश्किल में नहीं लेके जाएगा। जैसे यहाँ पे काफी स्टेप्स लगे हमारे, राइट, काफी स्टेप्स लगे और इंटीग्रेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, राइट। तो देखो जरा, अब एक ऐसी चीज जिसके थ्रू ये काफी इजी पड़ जाएगा, ठीक, वो क्या चीज है कि हमें दिखाई दे रहा है कि हिंट है कि माइनस वन टू वन के बीच में दे रखा है, और ऊपर से वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन वगैरह चीजें जा रही हैं, राइट। तो हमने क्या किया, एक्स को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक, एक्स को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो डीएक्स बाय मतलब अब ये चीज सब्स्टिट्यूट करने के बाद सारी की सारी चीज जो है, राइट, ये किसमें चली जानी चाहिए, राइट, ये थीटा में चली जानी चाहिए, मतलब हमारा ये जो डीवाई बाय डीएक्स है ये डीवाई बाय डी थीटा बन जाना चाहिए। अब उसको लाने के लिए हमने क्या किया, इधर सारा का सारा विद रिस्पेक्ट टू पहले वाई डिफरेंशिएट किया, तो याद आएगा डीएक्स बाय डीवाई दैट इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा इनटू डी थीटा बाय डीवाई। अब रेसिप्रोकल कर दिया तो डीवाई बाय डीएक्स इज नथिंग बट सीकेंट थीटा इनटू डीवाई बाय डी थीटा। सबसे पहली चीज तो याद, ठीक, तो ये इधर पुट किया, ठीक, तो डीवाई बाय ये आ गया सीकेंट थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा प्लस एक्स की जगह आ गया साइन थीटा वाई एज इट इज डिवाइडेड बाई साइंस के थीटा, नीचे आ जाएगा साइंस के थीटा माइनस वन, माइनस एन कॉमन लेके बाहर लेके वो आगे वन माइनस साइंस के थीटा, तो आ गया कॉस के थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन की पावर फोर थीटा प्लस टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस साइंस के थीटा अंडर द रूट दैट इज कॉस थीटा। अच्छा, ये तो ये पूरी इक्वेशन बन गई, ठीक, अब ये इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखो, ये साइन थीटा सीकेंट थीटा को लिखा वन बाय कॉस थीटा, तो ये आ गया वन बाय कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा कटा, ठीक, तो क्या बना डीवाई बाय डी थीटा माइनस ये आ गया टैन थीटा वाई दैट इज इक्वल टू साइन की पावर फोर थीटा प्लस टू साइन थीटा। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जाएगा, दैट इज ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन टैन थीटा डी थीटा, सो दैट इज ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन में टैन थीटा के इंटीग्रेशन ln ऑफ सीकेंट थीटा, माइनस साइन ऊपर जाएगा तो ये e की पावर ln ऑफ cos थीटा, सो दैट इज नथिंग बट cos थीटा। तो हमारा आंसर क्या गया, y into cos थीटा दैट इज इक्वल टू sin की पावर 4 थीटा प्लस 2 sin थीटा into cos थीटा d थीटा इंटीग्रेशन, ठीक, ये q एज इट इज into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर sin थीटा को t लेता हूं मैं तो ये चला जाएगा मेरा t की पावर 4 प्लस 2t और ये चीज क्या चली जाएगी मेरी dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, विदाउट सब्स्टिट्यूशन के इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन की पावर 5 थीटा बाय 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाई कॉस थीटा प्लस सी, और वैल्यूज वगैरह पुट करोगे तो अपने आप ये चीज जीरो चली जाएगी, ठीक है, ये काम कर सकते हो। अच्छा, बाय द वे, जो पहली क्वेश्चन आई थी वाई अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 बाय 5 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, वो ये चीज सेम है अगर मैं एक्स को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, तो पहले भी हमें ये चीज मिल रही थी, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे अब जो हमें करना है y डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस रूट थ्री बाय टू से लेके रूट थ्री बाय टू, ठीक। अब इसका याद है मैंने तुम्हें बताया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर कैसे करेंगे, तो डिवाइडेड बाय डी थीटा इंटू डी थीटा, तो मेरा बन जाएगा, और ये जो लिमिट्स है अब ये लिमिट्स x की नहीं थीटा की चलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हमने x को क्या लिया था साइन थीटा, राइट, अब x की वैल्यू अगर माइनस रूट थ्री बाय से लेके माइनस रूट थ्री बाय टू से लेकर रूट थ्री बाय टू जा रही है और माइनस वन टू वन के बीच में, तो माइनस वन टू वन के बीच में अगर माइनस रूट थ्री बाय टू से लेकर रूट थ्री बाय टू के बीच में है, राइट, तो ऑब्वियसली साइन थीटा की वैल्यू जाएगी माइनस पाई बाय थ्री से पाई बाय थ्री, तो यानी कि ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस पाई बाय थ्री से लेकर पाई बाय थ्री वाई की वैल्यू एज इट इज, और वाई की वैल्यू इधर से आएगी दैट इज साइन की पावर फाइव थीटा बाय फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इधर से कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, ठीक, तो ये आ जाएगा वन बाय कॉस थीटा इंटू dx by d theta। अब ध्यान से देखो, इसका dx by d theta करो, तो dx by d theta क्या जाएगा तुम्हारा, ठीक, इसका derivative with respect to theta, तो आ जाएगा simply cos theta, इधर आ गया cos theta d theta। हाँ जी, please confirm करो, clear है, कोई doubt तो नहीं, clear हो रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes sir। ठीक है, तो देखो, ये cos theta कटा, ये cos theta कटा, ठीक है, अच्छा। अब अगर ये cos theta कटा, तो अब ध्यान से देखो ये चीज कि i की वैल्यू क्या आई, माइनस पाई बाय थ्री से लेके पाई बाय थ्री साइन की पावर फाइव थीटा डिवाइडेड बाय फाइव प्लस साइन
स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यार यहाँ पे बच्चा ना जनरली घबरा जाता है कि sin थीटा 5 का इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, उसको हायर एंगल में तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे भाई, लेकिन ए प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाओ तो ये थीटा की जगह माइनस थीटा आ जाएगा, तो आई की वैल्यू बन जाएगी माइनस पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 3, इधर आ जाएगा माइनस साइन की पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये ए प्लस बी माइनस एक्स लगा के ये चीज चली जाएगी। हाँ जी क्लियर है, ए प्लस बी माइनस एक्स लगा के ये चीज चली जाएगी, ऐड कर दो तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होके क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ट्वाइस ऑफ साइन थीटा क्या होता है हमारा, माइनस पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 3, 2i एज इट इज, तो 2 टाइम्स ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है डी थीटा। तो ये बन गया थीटा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 3, ठीक। तो वैल्यू पुट की तो 2i की वैल्यू क्या आ गई, अपर लिमिट पाई बाय 3 माइनस साइन 2 पाई बाय 3 ठीक डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय 3, माइनस माइनस तो माइनस ट्वाइस हो जाएगा तो माइनस साइन 2 पाई बाय 3 एंड 2i, तो ये 2 से डिवाइड किया तो ये 2 हट जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, ठीक ये दैट इज पाई बाय 3 माइनस 1 बाय 2 इंटू साइन 2 पाई बाय 3, साइन 2 पाई बाय 3 हो गया साइन 120 डिग्री, तो ये रूट 3 बाय 2 है, रूट 3 बाय 2, तो फाइनल इज पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 4 आई। तो इससे भी निकल सकता है, ये भी एक मेथड था, स्टार्टिंग में मैं x को साइन थीटा पुट कर दो, उससे क्या होता, उससे पूरी की पूरी डिफरेंशियल होगी, थोड़ी सी सिंप्लीफाई होगी, ये वाली बन गई, और ये थोड़ा इजी था मेरे लिए हैंडल करना, ठीक है। बाय द वे दोनों में से कोई भी अप्रोच आप लगा सकते हो, बस ऊपर वाली अप्रोच के अंदर फिर तुम्हें ये ध्यान देना था कि माइनस वन टू वन के बीच में है तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं लिख सकता, वहां पे वन माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो दोनों मेथड क्लियर हुए, वासु शुभम काव्या दिया, हाँ जी सर यस चिराग अर्णव आदित्य नहीं, ओके ओके चलो ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे देखो जरा। ठीक है थर्ड क्वेश्चन आई थिंक काफी सिंपल है, मोर देन वन जरूर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा वाई डैश इज इक्वल टू वाई टैन एक्स इक्वल टू 2x सेकेंड एक्स, ठीक है। तो ये तो क्लियरली लीनियर जा रही है, तो e की पावर इंटीग्रेशन माइनस टैन एक्स डी एक्स, तो क्या बन जाएगा e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस ln ऑफ सेकेंड एक्स दैट इज e की पावर ln ऑफ cos x, तो दैट इज cos x, ठीक है। तो y इंटू cos x that is equal to cos x into 2x secant x dx integration, तो ये इसके साथ कटा तो ये आ गया x square plus c, तो y into cos x that is equal to x square plus c, ठीक है। तो ये चीज आ गई, अब y of 0 is 0, तो y of 0 0 मतलब c 0 आ जाएगा, तो equation 0 को 0 put करने के बाद equation जाएगी y is equal to x square secant x, ठीक है ये चल गई। अब एक तो पहले तो हमें y की वैल्यू चाहिए पाई बाय 4 पे एंड पाई बाय 3 पे, तो y की वैल्यू पाई बाय 4 पे, y की वैल्यू पाई बाय 3 दोनों पे देखते क्या जाएगी, पाई बाय 4 पे क्या जाएगी ये पाई स्क्वायर बाय 16 इनटू, और secant पाई बाय 4 कितना होता है रूट 2, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय लेट्स सी ऊपर रूट और नीचे, हाँ तो पाई स्क्वायर बाय 8 रूट 2 आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा पाई बाय 3 पे देखते क्या जा रही है, तो पाई स्क्वायर बाय 9 इनटू secant पाई बाय 3, ठीक है। तो cos 60 डिग्री का होता है 1 बाय 2, तो secant 60 डिग्री का हो जाएगा 2, तो इधर 2 आ जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी 2 नहीं है इधर, तो ए ऑप्शन तो जा रही है, हाँ जी क्लियर हुआ। अब बी एंड डी में से देखना है, क्लियर है अभी तक, मैच कर रहा है अभी तक, ठीक है। अब डेरिवेटिव देखना है पाई बाय 3 है उस पे, तो इसके लिए सबसे पहले वाई डैश निकाला, तो वाई डैश क्या आ रहा है 2x secant x प्लस x स्क्वायर इनटू secant x tan x। अब ध्यान से देखो y डैश पाई बाय 4 y डैश पाई बाय 3, तो y डैश पाई बाय 4 क्या जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4 secant पाई बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू secant पाई बाय 4 इंटू tan पाई बाय 4, और इधर जाएगा 2 इंटू पाई बाय 3 secant पाई बाय 3 प्लस पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू secant पाई बाय 3 इंटू tan पाई बाय 3। तो देखो इसका क्या जाएगा, ये इधर 2 कटेगा तो पाई बाय 2 और secant पाई बाय 4 कितना होता है रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 2 पाई बाय 2 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 इनटू, ये आ गया अगेन रूट 2, ठीक tan पाई बाय 4 1 हो गया, तो इधर आ गया रूट 2,
ठीक है। अच्छा ऑप्शन क्या जा रही है? ये तो पाई स्क्वायर, टोटली पाई स्क्वायर की फॉर्म में, तो टोटली पाई स्क्वायर की फॉर्म में तो हो नहीं सकता ये, ठीक है, टोटली पाई स्क्वायर की फॉर्म में हो नहीं सकता, यानी कि बी ऑप्शन तो नहीं हो सकती। ठीक, अब डी ऑप्शन चेक करनी है, तो डी ऑप्शन के अकॉर्डिंगली क्या जा रहा है, ये देखो 2 इंटू पाई बाय 3 इंटू, ये भी वैल्यू जाएगी 2, सेकेंड पाई बाय 3, सेकेंड पाई बाय 3 इज 2, ठीक है। अच्छा देन प्लस पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू सेकेंड पाई बाय 3 इज 2 इंटू टेन पाई बाय 3 इज रूट 3। ठीक है, ओके। तो यहां पे अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या जा रहा है, 4 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई स्क्वायर, 2 रूट 3 पाई स्क्वायर बाय 9, तो इंटू 3 इंटू 3, तो 12 पाई प्लस 2 रूट 3 पाई स्क्वायर बाय 9, ये वाई डैश पाई बाय 3 जा रहा है। नाउ लेट्स सी ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, 4 पाई बाय 3, तो ये 4, अच्छा चलो अलग अलग ही रखा हुआ है इन्होंने, अलग अलग ही रखो फिर, ठीक है, तो 4 पाई बाय 3 बिल्कुल आ रहा है, 2 रूट 3 पाई स्क्वायर बाय 9, 2 रूट 3 पाई बिल्कुल आ रहा है, रूट 3 को नीचे काटा इन्होंने, तो 4 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई स्क्वायर बाय 3 रूट 3, ठीक है, बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका डी ऑप्शन भी है, तो इसका ए एंड डी इज द आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है काव्या, मैच हुआ? हाँ जी चिराग सर, मैंने इक्वेशन वाला ही y डैश यूज किया था निकालने को। ओके ओके, लेकिन y की वैल्यू नहीं दे रखी ना हमें पाई बाय 3 पे। देखो क्या होगा कि y डैश जो यूज किया आपने, सर y ऑफ पाई बाय 3 तो हमने निकाल ली थी पहले भी। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, फिर उसको यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल। देखो कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेगी, है ना, इंटीग्रेशन पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, अब ना एक काम करते हैं, डाउट्स लेते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ।